परेशानी है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाए, जल लेकर जाए, उस कलश में मात्र अक्षत के दो दाने डालकर ले जाए, मात्र दो अक्षत के दाने, जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय सफेद फूल भी डाला, कभी लाल फूल भी डाला। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में दो अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु केतु मंगल शनि शुक्र बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं, हमारा सब अनुकूल, सारे अनुकूल, ये उसके लिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा हो, जो बच्चे की बुद्धि विद्या अध्ययन में नहीं रमती हो, लगती ही नहीं हो, महाराज तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के सात दाने डाल लीजिए, तांबे के कलश में जल हो, जल में अक्षत के सात दाने, ये जो सात दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, या कई कई लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मान लो आज आपका मन शांत नहीं है, आज आपकी बुद्धि शांत नहीं है, आज आपका चित्त शांत नहीं है, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा, चिड़चिड़ प्रति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त न लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन करके ठीक न लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के सात दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र पांच पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए, दुर्वा के तीन वट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में तीन गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो तीन गांठ अपने आप आ जाएगी, तीन वट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ा, अपनी मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाएगा, आपका हृदय चित्त प्रसन्न होगा।